Hello, hi everyone, how are you? I'm sorry I got a little late today. Actually, there कुछ हो गया था थोड़ा सा घर पे. So, right now, we are live, बेल का दम, daily live Q&A. That's your chance. आइए, पहले सवाल पूछिए, पहले 10 सवालों का जवाब दिया जाएगा रोजाना. 10 यहाँ पर, 10 Instagram में. So, here we have मुदित जी का, एज यूजुअल. मुदित जी हमारे पहले जरूर दौड़ के आते हैं. मुदित जी का पहला सवाल अभी हम ऑलराइट, लेट्स सी. मुदित जी ने हमसे जो सवाल पूछा है, मैं नीचे जाके देख लेता हूँ. राइट, ऑलराइट. मुदित जी, फर्स्ट सवाल है मुदित जी का, कैन वी टेक वे प्रोटीन इफ वी हैव कफ एंड कैन वी वर्कआउट ड्यूरिंग During this period, as I have cough from 6 to 7 months and I have stopped everything now, I wanted to do some weight training. Mudit ji, I have given you prescription on Liberate. Mudit ji, I have given you prescription on Liberate. जैसे कि आपने मुझसे कंसल्ट किया ऑनलाइन, सो लाइब्रेट पे आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है. डू दैट फॉर अबाउट अ मंथ. वो प्रिस्क्रिप्शन आपने लेना है और उससे होपफुली आपका ये ठीक हो जाएगा. आई थिंक योर कफ इज एलर्जिक, यू डोंट नीड एनी एंटीबायोटिक्स, ओके, एज फार एज यू आर कंसर्न. बट हाँ, वे प्रोटीन की बात आ रही है तो वे प्रोटीन इज बेसिकली नथिंग टू डू विद कफ. देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम. ओके, आ गए हम वापस. सो रिकनेक्शन थोड़ा सा हो गया था. सो यस, वे प्रोटीन ले सकते हो आप. देर इज नो प्रॉब्लम विथ वे प्रोटीन लेने में और उसमें कफ में. राइट, जब मैं रनिंग करता हूँ तब मेरी नाक से पानी आता रहता है. ज़्यादा तेज़ रनिंग करता हूँ तब ज़्यादा पानी आता है. कॉज एंड ट्रीटमेंट प्लीज. स्टुअर्ट जेविस, नाइस इंग्लिश नेम बट हिंदी जही. स्टुअर्ट जेविस, नाइस इंग्लिश नेम बट हिंदी जही. हिंदी क्वेश्चन, वेरी गुड. सी, रनिंग और नाक में पानी इज़ बेसिकली अनरिलेटेड. यू हैव, अगेन जैसा मैंने कहा, यू हैव एलर्जीज. सो एलर्जीज से ही आपके नाक से जो पानी आता है, बिकॉज सिक्रीशन बढ़ जाते हैं. सो ऑल यू नीड टू डू इज स्टे अवे फ्रॉम द एलर्जन. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, राइट? एंड एलर्जिक, एंटी एलर्जिक नेचुरल चीज़ें खाओ. एंटी ऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स ए डी, वाइटामिन डी, B12, राइट, ओमेगा थ्रीज, राइट, टेक एंटी ऑक्सीडेंट्स, राइट, यू कैन टेक म्यूसिनैक, राइट, दैट यू कैन टेक. वो जो मैं ओमेगा ग्लूटाथियॉन के लिए बोलता हूँ. सो यू कैन टेक ऑल दीज थिंग्स बेसिकली टू डील विथ एलर्जीज. बट देयर प्रॉब्लम इज एलर्जी, राइट? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि करेगा. कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, हाँ, आप मेरा कोल्ड वाला वीडियो देखिए जाके, दोनों, ऑल ऑफ यू, आई मीन वो ऑल ऑफ, वो जिसको भी कोल्ड हो रहा है. कोल्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में है. कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में है. राइट, पार्थ जी. पार्थ जी पूछ रहे हैं, सर रोटी खाए या नहीं प्री डायबिटीज में? खाओ जी, रोटी नहीं खाओगे तो क्यों होएगा? पार्थ जी, रोटी खानी बहुत अच्छी है. रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज द क्वांटिटी. और राइट, प्रॉब्लम इज द पोर्शन. पोर्शन कंट्रोल करना है. रोटी भी खा सकते हो आप, चावल भी खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो, डायबिटीज वाले लोग पिज्ज़ा बर्गर भी खा सकते हैं. क्वांटिटी मैटर करती है. आई मीन आपके पूरी डाइट के इसमें आपने रोटी कम खानी है. आपके प्लेट में, हाँ, तब चलो प्लेट का एग्जाम्पल देके बताऊंगा आप पूरे दिन में क्या बताऊँ. आपके प्लेट में 50% वेजिटेबल्स एंड सैलड्स एंड फ्रूट्स, ये डाल दो. वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड फ्रूट 50% ऑफ योर प्लेट. 25% आप उसमें कार्बोहाइड्रेट डालो, चाहे रोटी डालो, चाहे चावल डालो, चाहे एनी कार्बोहाइड्रेट, ओट्स डाल लो. जितना कॉम्प्लेक्स उतना अच्छा, बेसिक. जितना सिंपल उतना, मतलब कभी सिंपल कभी कॉम्प्लेक्स, यू कैन मिक्स इट अप. एंड 25% यू कीप प्रोटीन्स, राइट? दैट्स योर डायबिटी, दैट्स योर थाली एवरी टाइम. इफ यू रिपीट दिस, मे बी इसको हम डेली 3 से 4 बार खाएंगे, सो आपको डायबिटीज कभी नहीं होगी. ओके, ओके. रोटी के बाद इररेगुलर हार्ट बीट इज डेंजरस, वेरी डेंजरस. इररेगुलर हार्ट बीट इज बेसिकली कॉल्ड अरिथमिया, राइट? एक होता है हार्ट बीट हर बार इररेगुलर. देखिए, नॉर्मली आपकी हार्ट बीट, मेरी हार्ट बीट बिल्कुल घड़ी के कांटे जैसी है. दो टक 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 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता. ठीक है, इररेगुलर का मतलब क्या होता है? कभी कभी बहुत ही वेरिएशन है कि एक बहुत छोटा आ रहा है, एक बहुत दूर आ रहा, और एक होता है कि एक बीट ही स्किप हो रही. एक आधी बीट स्किप होना, एक आधा एक्टॉपिक बीट आना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना इररेगुलर हार्ट बीट आना. बिकॉज इररेगुलर हार्ट बीट ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट के दो हिस्सों का तालमेल बिगड़ गया है, राइट? हार्ट के दो हिस्से होते हैं. एक ऊपर वाला हिस्सा होता है. ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है? ऊपर वाला हिस्सा बेसिकली ऐसे पंप करता है, नीचे वाला भरता है,
नीचे वाला पंप करता है, खून बाहर जाता है. सो इट वर्क समथिंग लाइक दिस. ये पंप किया, ये भरा, ये वाला भरा, ऐसे टंग 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 टंग. सो इफ दिस इज गेटिंग इररेगुलर, व्हाट विल हैपन, ये पंप नहीं करेगा. जब ये खुलेगा तभी ये खींचेगा. सो अल्टीमेटली खून यहाँ रुकेगा. यहाँ खून रुकेगा तो यहाँ क्लॉट बन सकता है, और यहाँ से फिर क्लॉट पूरे शरीर में कहीं भी जा सकता है. सो यू हैव अ रिस्क ऑफ क्लॉट्स. द बिगेस्ट रिस्क ऑफ क्लॉट्स इज देयर जब इररेगुलर हार्ट बीट होता है. सो इसलिए अपना ईसीजी कराओ, अपना होल्टर कराओ. होल्टर या तो 24 आवर लॉन्ग ईसीजी होल्टर के लिए आप हमारे हार्ट टेस्ट सीरीज में होल्टर का, ईसीजी का, इको का, हर एक का वीडियो है. गो एंड वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड द टेस्ट. ऑलराइट माय फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मसल लंग म्यूजिक, म्यूजिक लंग पेन इन लेफ्ट स्टमक, प्लीज सजेस्ट. एक ही स्टमक होता है, लेफ्ट साइड में और लेफ्ट में स्टमक. अच्छा, पूरे एब्डोमेन को कई लोग स्टमक कहते हैं. गुड. तो स्टमक इज ऑन द लेफ्ट साइड. सो पेन इन लेफ्ट स्टमक इज ओके. पेन हो रहा है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन. मोस्ट कॉमन रीजन इज गैस, स्टमक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, राइट. देन मेनी अदर रीजन्स आर देयर. स्टमक के आसपास हमारे, अगर नीचे साइड में हो रहा है तो पैनक्रियाज होता है. सो अगर आपको गैस भी बनती है, खट्टे डकार आते हैं, रिगर्जिटेशन आते हैं, तो B12 लेवल चेक कराइए, एंटासिड लेना शुरू करिए, एक बार एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए. खाने पीने में सुधार लाइए, खाने की क्वांटिटी कम कर दो, खाने का ड्यूरेशन बढ़ा. जब भी प्रॉब्लम पेट से है ना, तो पेट को जो उसकी मजदूरी है, जो उसकी मेहनत है, उसको कम कर दो. हाउ टू डू दैट? एक साथ बहुत सारा भार मत दो उस पर, थोड़ा थोड़ा देर देर में दो. सो दैट विल बी इजियर फॉर हिम टू, पेट का, टू एक्चुअली हैंडल इट. दैट्स द आइडिया. सो क्या करोगे आप, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, राइट. और मतलब पूरे दिन में 8 खाते हो 2 बार में, तो 2-2 करके 4 बार में खाओ. यू विल सी योर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व. पानी पियो थोड़ा ज़्यादा, सो दैट पेट को, बाकी सब चीज़ों को, शरीर को पानी मिले. 2-3 चीज़ें करके देखो, एंड देन ऑब्वियसली टेस्ट. विटामिन डी, विटामिन B12, देन यू कैन डू CBC एलर्जी के लिए, ESR, राइट. एंडोस्कोपी कैन बी डन, वेरियस थिंग्स कैन बी डन. गैस्ट्रिक अल्सर का मेरा वीडियो है, वो जाके देख लीजिए. अल्सर का वीडियो देखिए, गैस का वीडियो देखिए, डाइजेस्टिव हेल्थ बाय डॉक्टर एजुकेशन की पूरी प्लेलिस्ट है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आएगा. ऑलराइट, न्यूट्रिशन करके आएगा कि डाइजेशन करके आएगा. ऑलराइट, तो दैट्स गुड. उसके बाद देव टुतेजा जी, सर एक ट्रीटमेंट है एएमपी फॉर एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, प्लीज टेक. इसके बारे में बताए, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है दोस्त. आई हैव टू स्टडी एंड आई हैव टू सी, राइट. सॉरी बट आई डोंट नो अबाउट दिस. हेल्थ एंड केयर जी पूछ रहे हैं, सर नवल के बारे में. नवल क्या? व्हाट इज नवल? यू मीन नेवल? यू मीन धुनी? व्हाट अबाउट इट? इसके बारे में क्या बताऊं? देखिए, ये नेवल है, नेवल होता है. इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई दवा लगाने से अंदर नहीं जाती, कुछ भी तेल लगाने से कुछ नहीं होता. दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस. वी कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, इसलिए कर सकते हैं. इसके आगे क्या, देखिए क्वेश्चन, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अच्छे से लिखना है. ऑलराइट, कैन वी फिक्स पेक्टस एस्कवेटम? नॉट विदाउट सर्जरी. वेरी उसको बढ़ने से रोका जा सकता है विथ फिजियोथेरेपी, विथ प्रॉपर एक्सरसाइज. अ लिटिल बिट फिक्सिंग कर सकते, थोड़ा बहुत एंगल करेक्शन इज पॉसिबल, बट पूरा करेक्शन विदाउट सर्जरी नहीं. पेक्टस एक्सकावेटम पहले भी हमने बताया था कि जिसमें उसका जो ये है, स्टर्नम है, ये थोड़ा बाहर आ रहा है, ऐसे पिजन शेप, ऐसे ऐसे जैसे हमारा ऐसे है ना, उसका ऐसे ऐसे. ओके, सो उसको क्या कर सकते हैं? सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट. सर कोल्ड शावर से टेस्ट बूस्ट होता है क्या? हार्ट? बिल्कुल भी नहीं प्रिया जी, नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं है, ये सब तो बकवास है. कोल्ड शावर से कैसे बूस्ट होगा? हैं, मेरा टेस्टोस्टेरोन का वीडियो देखिए, कोई लॉजिक है? किसी लॉजिक से पॉसिबल ही नहीं है. ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, मैं देखूं जरा. बूस्ट होता है क्या? क्लियर तो है यार. गुरप्रीत जी प्लीज चेक योर दिस थिंग. इसको इतने पास पकड़ रहा हूँ यार, और क्या कर सकता आदमी. एनीवेज, हेलो ऑल इन वन जी, हेलो वॉइस इज नॉट क्लियर. गुरप्रीत सिंह जी, दीप सिंह जी पूछ रहे हैं, बोन स्ट्रेंथ आफ्टर फ्रैक्चर कैसे बढ़ेगी? बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट से बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगी. आपके रेस्ट प्रॉपर बोन के ऊपर सही एंगल पे प्रेशर से. सो आप इतना ज़रूर करिए कि बोन को सही एंगल से प्रेशर दे दिए, रेस्ट करिए, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लेना है. प्रोटीन की स्वेलिंग इन लेग्स, देखिए एक सवाल मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज थोड़ा हम लेट आए, और तुरंत इसी के बाद मैं तुरंत लाइव आऊँगा इंस्टाग्राम पे. ऑलरेडी 1 मिनट लेट हो गया हूँ वहाँ पे जाने के लिए. सो प्लीज़ वहाँ लाइव आइएगा, जो जो लोग का सवाल रह गया, और तुरंत जाके अपना सवाल का
पहले जब पहला सवाल डाल देना है राइट, उससे आपके सवाल ले लिया जाएगा। और स्वेलिंग इन लेग्स, देखिए अगर दोनों पैरों में स्वेलिंग हो रही है इट्स कॉल्ड एडीमा। अगर पिटिंग है तो वो दबा के देखिए ऐसे हड्डी पे चिन के ऊपर दबा के उसमें गड्ढा बन रहा है, इट्स कॉल्ड पिटिंग एडीमा। मोस्ट कॉमन रीजन है पानी जमा हो रहा है वहाँ पे स्किन के नीचे। मोस्ट कॉमन रीजन है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम राइट, पूरा मैल न्यूट्रिशन, अनीमिया, खून की कमी। इस पर एक्चुअली मेरा वीडियो भी है, शॉर्ट चैनल पे वीडियो है आई थिंक उसका, आप जाके देखिए डॉक्टर, आप ये डालोगे स्वेलिंग इन लेग्स बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, यू विल गेट द लिंक राइट। सो वॉच दैट वीडियो एंड मीट मी टुमारो हियर। आज हमने 11 मिनट में खत्म किया, वेरी गुड। ऐसे ही हम 10-10, 11-11 मिनट में 10-10 सवाल का जवाब देंगे। कल भी मिलूंगा आपसे, अभी मैं टाटा बाय बाय बोल रहा हूँ, सॉरी जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं आए, कल आना पहले फर्स्ट कम फर्स्ट गेट योर आंसर्स राइट। सो टुमारो लेट्स सी, ओके बाय, थैंक यू। बेल का दम, सब बेल ना जरूर दबाना है ओके। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे मिल रहा हूँ मैं, एक मिनट में, बाय। कैसे करते हैं इसको।